वेलकम स्टूडेंट्स, डीएवी कॉलेज की ई लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सेमेस्टर सेकंड ऑफिस ऑटोमेशन पैकेज के अंतर्गत यूनिट सेकंड एमएस एक्सेल के बारे में बताने वाला हूं। एमएस एक्सेल एमएस ऑफिस का एक पार्ट सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर मेनली डेटाबेस से रिलेटेड है। इसके माध्यम से हम चार विशेष प्रकार के काम करते हैं। पहला, क्रिएशन ऑफ अ सिंपल डेटाबेस। फर्स्ट, सेकेंड, अप्लाई फॉर्मूला इन द डेटाबेस। थर्ड, मैनेज द डेटाबेस। And fourth, analyze the database and generate the results. ये चार मेन काम हैं जो हम एक्सेल के माध्यम से करते हैं। क्रिएशन ऑफ द सिंपल डेटाबेस, अप्लाई फॉर्मूला इन द डेटाबेस, मैनेजमेंट ऑफ द डेटाबेस एंड एनालिसिस ऑफ द डेटाबेस एंड जनरेशन ऑफ द रिजल्ट। आप यहां देखिए, हमने बार बार डेटाबेस का नाम लिया है। अब एक क्वेश्चन यहां पे पैदा हो रहा है कि व्हाट इज अ डेटाबेस। बिफोर अंडरस्टैंडिंग डेटाबेस, let us first understand what actually a data is. In fact, any information regarding any particular subject or object is data. Be it alphabetical data, be it numeric data, be it sound data, be it picture data, be it video data, all the information through which any subject or object can be defined is a data. In fact, all type of data is a combination of zeros and ones. The base of any data is zero and one. Let us take an example of a database. मुझे अपने कॉलेज के कुछ स्टूडेंट का एक डेटाबेस क्रिएट करना है, तो मैंने स्टूडेंट से नाम पूछा, उसने अपना नाम बताया आनंद। मैंने एज पूछी, उसने एज बताया 18 years। मैंने क्लास पूछी, उसने क्लास बताया बीकॉम ईयर फर्स्ट। मेरे पास दूसरा स्टूडेंट आया, मैंने उससे पूछा कि तुम किस क्लास में, उसने बताया कि बीएससी में। किस सेमेस्टर में? थर्ड सेमेस्टर में। क्या नाम है? अमित। एज क्या है? 19। मैंने तीसरे स्टूडेंट से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, उसने बताया मोहन। कौन सा सेमेस्टर है तुम्हारा? उसने बताया फिफ्थ। क्या एज है? उसने बताया 17। और कोर्स कौन सा है? उसने बताया बी। ये जो आपको तीन रो में इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये इनफैक्ट डेटा है तीन स्टूडेंट का। लेकिन इस इंफॉर्मेशन से हम इसे डेटाबेस नहीं कह सकते, क्योंकि डेटाबेस को होने के लिए एक शर्त होती है और वो ये शर्त है कि अ डेटाबेस इज अ सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा इन अ टेबुलर फॉर्मेट। ये डेटा सिस्टमेटिक नहीं करता है,
एक बार नाम यहाँ पे है, एक बार नाम यहाँ पे है, यहाँ पे सेमेस्टर ऐसे लिखा है, यहाँ ऐसे है, तो सेमेस्टर यहाँ पे है। दो जगह एक यहाँ लिखी हुई है तो यहाँ पे लिखी हुई है, यानी ये हैपहजर्ड डेटा है, इसलिए ये डेटाबेस नहीं हो सकता। तो हमको इसको सिस्टम से अरेंज करना होगा, सिस्टमेटिक होना चाहिए। इसको सिस्टमेटिक करने के लिए हमें कुछ इस तरह से करना होगा कि नाम के नीचे नाम आ जाए, एज के नीचे एज आ जाए, क्लास के नीचे क्लास आ जाए और सेमेस्टर के नीचे सेमेस्टर आ जाए। प्रोबेबली नाउ दिस हैज बिकम अ डेटाबेस। नो, अभी भी ये डेटाबेस नहीं, अभी भी डेटाबेस इसमें नहीं है कि ये टेबुलर है। अगर हम इसको इंक्लोज कर दें एक टेबल में तो अब ये डेटाबेस हो गया। नहीं, अभी भी ये डेटाबेस नहीं है। ये इसलिए डेटाबेस नहीं है कि ये डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये नहीं बता पा रहा है। तो हमें इसके ऊपर एक रो और ऐड करनी होगी। ये हमने एक रो और ऐड किया और यहां पे हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए जो फील्ड हो सकती है वो टाइप किया। लाइक हमने यहां पे टाइप किया नेम, यहां लिखा एज, यहां लिखा कोर्स और यहां लिखा ईयर। नाउ इट हैज बिकम अ डेटाबेस। अब अगर हम डेटाबेस को क्लोजली देखें तो डेटाबेस के जो कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं उसमें सबसे पहला कंपोनेंट हो रहा है टेबल। ये टेबल इटसेल्फ इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द डेटाबेस। देन वी हैव कॉलम एंड रोज। तो हमारे दो कंपोनेंट और हो गए, कॉलम एंड रोज। अगर हम रोज को क्लोजली व्यू करें तो ये वाली रो इन सब रोज से डिफरेंट है, अलग दिख रही है। इस रो में आपको दिख रहा है कि जो नीचे डेटा आ रहा है वो एक्चुअली क्या है। इसे हम बोलते हैं हेडर। और नीचे की ये सारी रोज जो है इन्हें हम कहते हैं रिकॉर्ड। हेडर रो वन हो सकता है और रिकॉर्ड रो एक से अधिक हो सकता है। एक कॉलम और एक रो के इंटरसेक्शन से जो एरिया बनता है दिस एरिया इज नोन एज सेल। सेल भी हमारे डेटाबेस का एक कंपोनेंट होता है। रिकॉर्ड रो में आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये इनफैक्ट डेटा है। ये डेटा है, ये डेटा है, ये डेटा है, ये डेटा है। रिकॉर्ड रो में आपको जो कुछ भी दिख रहा है वो डेटा है। एक डेटा अगर आप देखेंगे तो एसोसिएटेड है दूसरे डेटा से। तो एक रो में जितने भी डेटा हुए वो किसी पर्टिकुलर एक लड़के के लिए है, स्टूडेंट के लिए है, तो इसलिए इसे हम बोलेंगे रिकॉर्ड। यानी हमारा कंपोनेंट एक और हो गया रिकॉर्ड। The entire one row is known as record. और इस record के अंदर जो values fill हुई हैं, इन्हें हम बोलते हैं data. अब अगर हम header row की बात करें तो header row में भी हमें values दिख रही हैं। But these values are different, quite different from the values in beneath rows. नेम आनंद अमित मोहन, इसमें नेम रिप्रेजेंटेशन है आनंद अमित और मोहन का, इसे हम बोलते हैं फील्ड। तो ये जो आपकी हेडर रो है ये इनफैक्ट फील्ड रो है। ये स्ट्रक्चर आपके सामने जो हुआ ये स्ट्रक्चर कहलाता है डेटाबेस। अब हम एमएस एक्सेल के माध्यम से डेटाबेस क्रिएट करते हैं, डेटाबेस में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डेटाबेस को मैनेज करते हैं, डेटाबेस को एनालाइज करते हैं और रिपोर्ट जनरेट करते हैं।
फॉर्म मिलेगा आपको एमएस ऑफिस। तो आपको रूट फॉलो करना होगा स्टार देन एमएस ऑफिस देन एमएस